गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर वन वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम नगर निगम के नए कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा आते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुकेश कुमार आहूजा ने आज गुरुग्राम के उन इलाकों का दौरा किया है जहां पर मॉनसून की बरसात में भारी जलभराव हो जाता है। नए कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा का कहना है कि वो दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब मॉनसून में बरसात होगी तो गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होने दिया जाएगा और लोगों को समस्याएं नहीं होने दी जाएंगी। आज सुबह 10 बजे से ही नए नगर निगम कमिश्नर गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में गए, जिनमें सेक्टर 10, इसके अलावा उमंग भारद्वाज चौक, बेरीवाला बाग और आरओबी एक सेक्टर 9 के पास बन रहा है, वहाँ का उन्होंने दौरा किया और कोशिश की वहाँ पर जो अड़चने हैं जिन वजह से मॉनसून में वहाँ पर जलभराव हो जाता है उन सबको दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगले ही महीने मॉनसून दस्तक देने वाला है दिल्ली NCR में। ऐसे में गुरुग्राम प्रशासन की जो नींद है वो उड़ी हुई है कि कहीं इस बार जो काम वो कर रहे हैं, दबादब मीटिंग गुरुग्राम में की जा रही है ताकि जलभराव से निपटा जा सके। तो ऐसे में जिला प्रशासन चाह रहा है कि गुरुग्राम में इस बार मॉनसून की बरसात में जलभराव ना होने दिया जाए, लेकिन ये तो मॉनसून आने के बाद ही पता चल पाएगा कि गुरुग्राम की तैयारियां कितनी हैं, क्या गुरुग्राम इस बार मॉनसून की बरसात में जलभराव से बच पाएगा या नहीं। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार नए नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा के साथ इस दौरे पर निकले और वहां से क्या कुछ रिपोर्ट बनाई है वो आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम का MCG विभाग अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, इसी वजह से आज गुरुग्राम के निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों का जायजा लेने के लिए निकले हैं ताकि आने वाले मानसून में जलभराव ना हो सके और उसकी पहले से तैयारी की जा सके। अलग अलग इलाकों का जायजा लेते हुए सबसे पहले मुकेश कुमार आहूजा जो कि निगम कमिश्नर हैं वो सबसे पहले बेरीवाला बाग के जो शिवाजी नगर इलाका है वहाँ पर गए, वहाँ की ड्रेनेज की व्यवस्था, वहाँ से जो पानी का जलभराव होता है वहाँ देखने के लिए रुके थे और उसके बाद वो जो कादीपुर चौक, उमंग भारद्वाज चौक जिसको कहा जाता है वहाँ पर रुके थे। वहाँ किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, किस तरह से जलभराव होने से बचा जा सकता है वो तमाम व्यवस्था देखते हुए आगे कादीपुर से जो सेक्टर 10 की तरफ रास्ता जाता है उन तमाम रोड की ओर जायजा लेते हुए निकले और तमाम जगह पर जायजा लिया कि ड्रेनेज की जो हालत है वो किस तरह की है, कौन सी ड्रेनेज है जिसको चलाने से जो पानी है उसकी निकासी आसानी से की जा सकती है, किस तरह से जलभराव की स्थिति से शहर को बचा सकता है। अलग अलग चौक पर जो है शहर के जलभराव हो जाता है, अक्सर मानसून में इस तरह की फजीहत नगर निगम की हो चुकी है कि जलभराव होने के कारण अलग अलग इलाकों में शहर के रोड पर सड़कों पर जाम लग जाता है जिस कारण से काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ के रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या उनका कहना है कि आज इन तमाम जो जगहों का जायजा लिया जा रहा है किस तरह से फायदा होगा। सर, आज जायजा लिया जा रहा है, किस कारण से आज जायजा लिया जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं निगम की तरफ से? भाई, जो वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं, जो मानसून के दौरान जो पानी इकट्ठा होता है उसको निकालने के जो तरीके हमने अपनाए हैं, जो पंपिंग मशीनरी लगाई है, ड्रेन्स की सफाई है, वो मैं आज चेक कर रहा हूँ। सर, किस तरह पंपिंग मशीन किस तरह से लगाई जा रही है, कितनी मशीन? मैंने आपको मौका, जिसपे मैं मौके पर खड़ा हूँ, देखो यहाँ पे दो ड्रेन्स थी, दो के बजाय एक ड्रेन एक दिशा में है, दूसरी दिशा में है, आपस में इसकी कनेक्टिविटी कैसे हो, पानी कैसे पंप आउट हो, ये सारी व्यवस्थाएं आज हम देख रहे हैं। सर, लोकल ड्रेनेज की बात करें, सेक्टर के अलग अलग कॉलोनियों की जो ड्रेनेज हैं वो अभी भी खस्ता हाल पड़ी हुई हैं, उनको किस तरह से सुधारा जा रहा है? उनको मैंने सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई है कि अपने अपने जो उनकी डिविजन्स हैं उसके अंदर सारी जितनी भी ड्रेन हैं सभी की डिसिल्टिंग कराएँ, उनको भी मैं चेक करवा रहा हूँ और खुद भी कर रहा हूँ। गुरुग्राम में रहने वाले लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार मानसून में जलभराव नहीं होगा गुरुग्राम में? बिल्कुल, कॉर्पोरेशन का ये पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों को असुविधा ना हो। इससे पहले भी कई अधिकारी दावा करते थे कि जलभराव से गुरुग्राम को बचाएंगे, लेकिन मैं दावा नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ। और निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा जी, उनका लगातार दावा है कि इस बार के मानसून के में जलभराव की समस्या का सामना गुरुग्राम के लोगों को ना करना पड़े, इसीलिए वो तमाम जो आउटर ड्रेनेज हैं गुरुग्राम की उन सभी का जायजा ले रहे हैं और इस वक्त जो GMCBL का बस स्टैंड है वहाँ पर खड़े हुए हैं और उस ड्रेन का जायजा ले रहे हैं जो यहाँ से शहर के आउटर एरियाज में होती हुई जाती है और तमाम जो लोकल ड्रेन है वो उनसे कनेक्ट हैं, इसीलिए इनका जायजा लिया जा रहा है ताकि इस तरह की समस्या ना हो और उन तमाम जगहों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा भी जो और जगहों पर लगातार जारी रखेंगे इस तरह की मुहिम के वहां का निरीक्षण किया जा सके और जलभराव की समस्या से बचाया जा सके। अब देखना होगा कि इस बार के मॉनसून में गुरुग्राम डूबने से बच पाएगा या नहीं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़।
पिछले 5 साल से गुरुग्राम में हर मॉनसून बरसात में इसी तरह से जलभराव हो जाता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। हालांकि नए कमिश्नर आए हैं, उनका ये कहना है कि वो दावे नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनका काम कितना रंग लाता है, क्या मॉनसून उनके इस काम पर पानी फेरेगा या फिर इस बार वो गुरुग्राम की इज्जत बचा पाएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।